दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आप जानना चाहोगे कि 2050 में कैसी होगी हमारी दुनिया? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये नई डिजाइन की कार कैसे भीड़ वाले रोड पर कितनी आसानी से चल रही है। दोस्तों आप माने या ना माने, लेकिन हम सभी के मन में ख्याल चल रहा होगा कि हमारे भविष्य का क्या होगा, और इसी के चक्कर में कई सारे लोग ज्योतिषी के पास भी अपना हाथ दिखाने पहुंच जाते हैं। ऐसे में आपको किसी पंडित और ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आपका वो भविष्य दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा। जी हाँ, आज हम आपको 2050 की उस दुनिया में ले जाएंगे जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहना, क्योंकि आज से लगभग 30 साल बाद दुनिया में सब कुछ बदल चुका होगा, और उन सब में कुछ क्या होगा चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करने में भी कंजूसी मत करना। दोस्तों अगर आप 19वीं शताब्दी में जन्मे हैं तो आपको रील कैमरा, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी वगैरह के बारे में पता होगा, लेकिन आज के बच्चों से अगर ये पूछा जाए तो उनके लिए बाबा आदम के जमाने की बात हो गई है। और ठीक आज की टेक्नोलॉजी आज से करीब 30 साल बाद पुरानी हो जाएगी, क्योंकि तब स्मार्ट कार्ड चलेंगे, वो कार्ड जिसमें आपकी आईडी, आपका मोबाइल फोन सब कुछ इन्वॉल्व होगा। उसी में आप वीडियो कॉल कर पाएंगे, उसी में आप वॉइस कॉल कर पाएंगे, उसी से आप पेमेंट दे पाएंगे। आज के समय में तो हमें स्मार्टफोन चलाते हुए बड़ा मजा आता है, लेकिन 2050 में आपके हाथ में अगर स्मार्टफोन हुआ तो दुनिया आपके ऊपर हंसने लगेगी, क्योंकि स्मार्ट कार्ड के अलावा आपके पास कई सारी ऐसी चीजें होंगी, जैसे कि हाथ में पहनने वाला बैंड वगैरह ले लीजिए, उसी में सब कुछ कनेक्टेड होगा, फोन कॉलिंग वगैरह होगी, जो इस तरह प्रोजेक्टर पर लाइट पड़ते ही सब दिखने लगता है, ठीक उसी तरह इस टेक्नोलॉजी से आप कहीं पर कुछ भी देख सकेंगे, और ये सारा सिस्टम कम से कम जगहों पर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देगा। और तो और सबसे बड़ी चीज ये है कि सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब आपकी आंखों के सामने अगर कोई इंसान आ गया तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए आप सामने वाले बंदे से बिना बात किए ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। और आगे आने वाले समय में लोगों को नौकरियों के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग काबिल होंगे उन्हें तुरंत नौकरी पर रख लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब इस तरह का सिस्टम आ जाएगा तो इंसान का अगला पिछला सब कुछ पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि वो इस तरह का इंसान है, और उससे कुछ सवाल पूछकर बिना ज्यादा समय गवाए इंसान को नौकरी मिल जाएगी या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो हैरी पॉटर फिल्म में आप न्यूज़पेपर देखते थे ना कि तस्वीरें चल रही है, न्यूज बदल रही है, ठीक वैसे ही आपको अब देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको सिर्फ एक बार न्यूज़पेपर खरीदना पड़ेगा और उसी में बार बार न्यूज अपडेट होती रहेगी। ये पूरा डिजिटल न्यूज़पेपर होगा जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, और इसमें इंटरनेट की आवश्यकता लगेगी, बस फिर आपको रोज न्यूज़पेपर बदलने की जरूरत नहीं है, उसी न्यूज़पेपर पर हर मिनट नई खबर अपडेट होती रहेंगी। अगर साफ शब्दों में कहें तो पेपर का जमाना पूरी तरह से चला जाएगा, डायरी, पेन, पेंसिल तो ये सब कुछ टाटा बाय बाय हो चुके होंगे, एग्जाम तो अब कंप्यूटर के जरिए ही लिए जाते हैं, लेकिन हर एक चीज कंप्यूटर पर डिपेंड हो जाएगी। अगर आपको किसी को भी कोई चीज भेजनी है तो आपको बस उसे बोलना है, वो चीज अपने आप ही टाइप होकर उस इंसान तक पहुंच भी जाएगी। और किताब वगैरह तो आज डिजिटल हो ही गई है, आप आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये पढ़ सकते हैं, लेकिन तब ये चीज और ज्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगी, और आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, जिस तरह आप कहीं पर भी अपनी डिजिटल स्क्रीन एक क्लिक से खोल सकते हैं, ठीक उसी स्क्रीन पर आपकी किताब वगैरह भी आने लगेंगी, आप उसे सामने से देखकर पढ़ सकते हैं। असल में दोस्तों टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई जाएगी जो छोटी से छोटी जगहों पर फिट हो जाए और दिखाई भी ना दे, यानी कि डिजिटल दुनिया आपको इतनी स्ट्रांग बना देगी कि आप उसे में जीना शुरू कर देंगे। और दोस्तों जिस हिसाब से अनुमान लगाए जा रहे हैं उसे देखते हुए ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि 2030 तक आधी से ज्यादा आबादी डिजिटल हो चुकी होगी, और 2050 तक लगभग पूरी पृथ्वी डिजिटल हो गई होगी, उसका सारा सिस्टम डिजिटली चलेगा। दोस्तों जब से अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस दूसरे सबसे अमीर आदमी बने हैं, तब से उनके दिमाग में सनक सवार हो गई है
तभी तो अमेजोन वाले ऐसा डस्टबिन तैयार कर रहे हैं जिसमें आप जो कोई भी कचरा डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी मसाले का पैकेट खत्म करके उसे डस्टबिन में डाला, तो वो डस्टबिन मसाले के डब्बे में बने बार कोड को स्कैन करके अमेजोन वालों को बताएगा और अमेजोन वाले फिर आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे कि आपके घर में ये वाला मसाला खत्म हो गया है, अगर आपको चाहिए तो आप खरीद लीजिए। यानी कि आपको अपने घर में खत्म हुए सामान को याद करने की भी जरूरत नहीं है, वो काम आपका ये डस्टबिन ही कर देगा। और दोस्तों, जो लोग ये रोते रहते हैं कि मैंने ज्यादा खाना खा लिया, उनके लिए ऐसी कटलरी यानी कि प्लेटी वगैरह बनाई जाएंगी जिससे मेजरमेंट होगा कि आपको कितना खाना खाना है, आप कितना खाना खा रहे हैं, ये सारी कैलोरीज वगैरह उसमें काउंट होगी। यानी आप जिसमें खा रहे हैं वही आपको बार बार याद दिलाएगा कि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है, इंसान अपने आप को फिट बनाने के लिए उसी टाइम वो चीज खाना छोड़ देगा जो उसको नुकसान पहुंचाए। और अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो दोस्तों, इस फील्ड में तो तहलका मचने ही वाला है, क्योंकि स्मार्ट गाड़ियां बन रही हैं। ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम है ये आपको परेशान नहीं करेंगे, ये सब लिमिटेड सोर्सेज हैं, लेकिन अनलिमिटेड सोर्स हमारी सोलर एनर्जी है जिससे गाड़ियां चलेंगी और आपको उसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग जाएगा जिसकी वजह से गाड़ियां पूरी ऑटोमेटिक हो जाएंगी और इससे एक्सीडेंट वगैरह का खतरा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई चीज आपकी गाड़ी से टकराने वाली होगी आपकी गाड़ी तुरंत वहीं पर रुक जाएगी और किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। यहां तक कि आपको अपनी गाड़ियां चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस गैप में रास्ता सेट करना है और गाड़ी को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देना रहेगा, बाकी आप गाड़ी में बैठकर चाहे जो कीजिए, उससे आपकी जर्नी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर आने वाले सालों में हमें किस तरह की दुनिया देखने को मिलेगी। बाकी आप फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।